हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप जांगरा, वेलकम ऑन माय चैनल फॉर यू डिजाइनर्स। दोस्तों, आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ फोटोशॉप बिगनर सीरीज की क्लास 7। इस क्लास में हम सीखेंगे क्रॉप टूल फोटोशॉप में कितना जरूरी टूल है, ये आप देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं क्रॉप टूल। क्रॉप टूल के लिए सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे क्लिक करेंगे हम क्रॉप टूल पे। क्रॉप टूल लेने के बाद जैसे आप क्रॉप टूल लेते हैं, आपकी इमेज इस तरह से सिलेक्ट हो जाती है और आपकी इमेज के चारों तरफ इस तरह से ये क्रॉप टूल आ जाता है। ये देखिए, इससे आप इसको चाहे तो छोटा या बड़ा कर सकते हैं। जितनी इमेज आपको चाहिए आप उसको इसके अंदर ले सकते हैं इस तरह से। जब आपको लगे कि जितना एरिया आपको चाहिए आपने सिलेक्ट कर लिया है, तो आप इस पे कर सकते हैं डबल क्लिक, या फिर कर सकते हैं एंटर, या फिर यहाँ पे जाके इस टिक पे क्लिक कर सकते हैं और आपकी इमेज क्रॉप हो जाएगी जितनी आपको चाहिए। इस तरह से आप कोई भी फोटो क्रॉप करके रख सकते हैं। अभी मैं इसको करता हूँ अंडू। अभी चलते हैं इस टूल के ऑप्शन बार पे। ऑप्शन बार पे जाते ही आप यहाँ पे देखेंगे ये है रेशो। रेशो अगर किसी भी इमेज को आपको रेशो में क्रॉप करना है तो उसके ये काम आता है। अभी मैं यहाँ पे साइज लेता हूँ 10 10। तो मैंने अभी इसमें विड्थ और हाइट 10 10 रखी है। तो ये देखिए, मेरा क्रॉप एरिया भी 10 10 में ही कन्वर्ट हो गया है। तो इस रेशो के हिसाब से मैं अगर इस एरिया को सिलेक्ट करने जाता हूँ, ये देखिए, तो ये उसी रेशो में छोटा और बड़ा होगा। जितना एरिया आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, आप चाहे तो ये देखिए क्रॉप टूल की बजाय मैं अब इमेज को ड्रैग कर रहा हूँ इस क्रॉप टूल के अंदर, जहाँ पे आपको चाहिए वहाँ पे आप इसको छोड़ दें और क्रॉप कर सकते हैं। देखिए, जितना एरिया मुझे चाहिए मैं वो रखता हूँ और इस पर डबल क्लिक कर, ये देखिए ये इमेज क्रॉप हो गई है जो साइज मैंने यहाँ पे रखा था रेशो के साथ। अभी मैं इसको यहाँ से क्लियर करता हूँ। जो भी आपने वैल्यू यहाँ पे डाली है आप यहाँ पे क्लिक करके उसको क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें हम चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे है विड्थ, हाइट और रेजोल्यूशन। ये लेने के बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आएंगे कि आपको क्या इसमें हाइट और विड्थ की वैल्यू रखनी है। तो अभी मैं यहाँ पे रखता हूँ 4, आगे मैं रखता हूँ यहाँ पे 6 और रेजोल्यूशन जो कि ये साथ में ही इसमें है, यहाँ पे मैं रखता हूँ 72। जैसे ही मैं ये वैल्यू इसमें फिल कर लेता हूँ, मैं अपनी पिक्चर पे करता हूँ डबल क्लिक। ये देखिए, मेरी इमेज अपने आप ही इस साइज में कन्वर्ट हो गई है बाय डिफॉल्ट, जो साइज मैंने यहाँ पे डाला था। ये देखिए, मैंने यहाँ पे 4x6 का साइज इसमें रखा है इमेज का और रेजोल्यूशन 72 रखा है। अभी ये हम कैसे चेक करेंगे, हम जाएंगे इमेज में जाएंगे हम इमेज साइज में। इमेज साइज में जाने के बाद ये देखिए, यह है 4x6 की इमेज और रेजोल्यूशन हमारा 72, जो कि हमने यहाँ से बाय डिफॉल्ट किया था। अभी मैं इसको अंडू कर रहा हूँ। और अगर आपको ये इमेज फिट टू स्क्रीन करनी है तो आप प्रेस करेंगे कंट्रोल स्पेस और राइट क्लिक करेंगे फिट ऑन स्क्रीन। ये देखिए, इस तरह से भी आप वापिस पूरी इमेज को अपनी स्क्रीन में फिट कर सकते हैं। अभी चलते हैं हम आगे। इसमें आगे आप जाएंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे ओरिजिनल साइज। सबसे पहले मैं इस इमेज को अंडू कर लेता हूँ और फिट स्क्रीन करने के लिए Ctrl+0, ये भी आप प्रेस करके इसको फिट ऑन स्क्रीन कर सकते हैं। आगे इस टूल में हम चलते हैं ओरिजिनल रेशो। ओरिजिनल रेशो लेते ही आपकी इमेज का जो साइज है ये उसके हिसाब से काम करेगा। जैसे ही ओरिजिनल रेशो ले लिया मैंने, अब देखिए मैं इसको क्रॉप करने के लिए जाता हूँ और ये देखिए, जैसे भी मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, जो मेरी इमेज का साइज है ये उसी रेशो पे काम कर रहा है। ये देखिए, मैं इसको चाहे हाइट से या विड्थ से जैसे मर्जी खींच के देखूँ, ये देखिए हाइट से कर रहा हूँ मैं, ये उसी रेशो पे काम करेगा। और ये देखिए, विड्थ से मैं इसको कर रहा हूँ और क्रॉप करेंगे तो उसी रेशो में ये आएगा। तो ये ओरिजिनल रेशो के हिसाब से काम करता है।
आगे हम इसमें चलते हैं, ये देखिए यहाँ पे है 11 square। 11 square लेने के बाद ये स्क्वेयर में ही काम करेगा, क्योंकि इसकी हाइट विड्थ हमने स्क्वेयर में ही रखी है। ये देखिए, चाहे आप इसको हाइट से या विड्थ से जैसे भी आप इसको खींचें, ये स्क्वेयर ही काम करेगा। डबल क्लिक करेंगे तो ये आपकी पिक्चर को क्रॉप कर देगा। अभी मैं इसको अंडू करूँ। इसी तरह से ये देखिए, जितने भी साइज इसमें दिए गए हैं, आप इसके अकॉर्डिंग कोई भी रेशो लेके अपनी फ़ोटो को एडिट कर सकते हैं। अभी जैसे मैं ये 16:9 का लेता हूँ, और ये देखिए इसके अकॉर्डिंग इस इमेज को क्रॉप करने के लिए जाता हूँ। ये देखिए, ये साइज जो हमारी वीडियो स्क्रीन होती है उसके लिए यूज़ होता है। ये देखिए, इस हिसाब से हम इसको क्रॉप कर सकते हैं। अब चलते हैं आगे इसमें। आगे इसमें आप देखेंगे ये कुछ साइज़ दिए हुए हैं, जैसे 4x5 इंच और 300 dpi, यानी रेजुलेशन इसका 300 है। मैं अभी इसको सिलेक्ट करता हूँ, और ये देखिए, मैं चाहे इसको कितना छोटा लेता हूँ एरिया, मेरे को ये इमेज इतनी चाहिए इसमें। देखिए, मैं इसको फिट करता हूँ 4x5 के हिसाब से। जैसे ही आपको लगे कि जितना एरिया आपको सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट हो गया, और आप उस पर करते हैं डबल क्लिक। उससे पहले आप ये देखिए, यहाँ पे आपने साइज जो सिलेक्ट किया है वो है 4 inch by 5 inch और रेजुलेशन है 300 dpi। अब मैं इस इमेज को करता हूँ क्रॉप। क्रॉप करने के बाद ये देखिए, आपकी इमेज जो साइज आपने लिया था और जो रेजुलेशन आपने लिया था उसके हिसाब से ये इमेज क्रॉप हो चुकी है। अब आप इसको चेक कैसे करेंगे कि जो साइज और रेजुलेशन के हिसाब से आपने क्रॉप किया है वो एक्यूरेट है या नहीं है? तो आप उसके लिए जाएंगे इमेज और इमेज साइज में। इमेज साइज में जाने के बाद आप यहाँ देखें, हमने इंच में लिया था, इसको इंच करेंगे। देखिए 4x5 जो हमने वहाँ पे सिलेक्ट किया था और रेजुलेशन 300, इसमें आपको अलग से कोई वैल्यू फिट करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आप वहाँ से साइज लेंगे ये उसी साइज को वहाँ से बाई डिफ़ॉल्ट ले लेगा विद रेजुलेशन। अभी मैं कर रहा हूँ इसको अंडू, और आगे हम चलते हैं। ये देखिए, आगे इसमें कई साइजेस दिए हुए हैं, जैसे ये देखिए यहाँ पे 8.5x11 inch जो A4 साइज होता है हमारा, और ये आगे भी देखिए कई साइजेस इसमें दिए गए हैं। वो सारे साइजेस आप जो भी चाहें इसमें बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ कर सकते हैं। आगे इसमें चलते हैं न्यू क्रॉप प्रीसेट। न्यू क्रॉप प्रीसेट, आप किसी भी साइज को क्रॉप प्रीसेट बना सकते हैं। उससे पहले आप अपनी मर्जी से भी कोई साइज ले सकते हैं, या फिर इसमें से ऑटो फिल भी कर सकते हैं। जैसे अभी मैं ये साइज ले रहा हूँ, इसमें से 16x9 ये साइज मैंने ले लिया है, और मैं इस साइज को अब बनाता हूँ न्यू क्रॉप प्रीसेट। और यहाँ पे मैं इसका कोई भी नाम दे देता हूँ, जैसे मैं अभी दे रहा हूँ इसमें न्यू, और मैंने इसको कर दिया यहाँ पे ओके। तो अब जब भी चाहे मेरा कोई भी साइज है, पर मैं बाय डिफ़ॉल्ट जो साइज मैंने अभी रेडी किया है, जो प्रीसेट मैंने रेडी किया है उसको सिलेक्ट करता हूँ। ये देखिए, ये यहाँ पे आ गया न्यू। न्यू सिलेक्ट करते ही ये देखिए मेरा साइज 16x9 अपने आप ही ये ले लेगा, और उसके अकॉर्डिंग हम अपनी इमेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमें अलग से कोई वैल्यू डालने की उसमें ज़रूरत नहीं है, जो प्रीसेट हमने सेट किया था ये उसी के हिसाब से काम करेगा। अभी क्या अंडू, और अगर आप चाहें तो इस प्रीसेट को डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ से डिलीट क्रॉप प्रीसेट, देखिए डिलीट, यस, ये अभी आपने जो प्रीसेट लिया था वो डिलीट हो गया है। अब हम इसमें चलते हैं आगे। आगे आप इसमें देखेंगे यहाँ पे है स्ट्रेटन। स्ट्रेटन यूज करने के लिए हम चलते हैं दूसरी इमेज पे। ये देखिए, ये आ गई हमारी नेक्स्ट इमेज, और ये यहाँ से मैंने सिलेक्ट किया क्रॉप टूल। क्रॉप टूल लेने के बाद ये देखिए हमारी ये इमेज जो है, ये थोड़ी सी इसको भी मैं क्लियर कर देता हूँ ताकि ये फ्री एंड वर्क करे। देखिए, ये मैंने मेरी इमेज सिलेक्ट कर ली है। अब हम यूज़ करेंगे स्ट्रेटन। सबसे पहले आप इस आइकन पे क्लिक करें, उसके बाद
ये इमेज आपको यहाँ से थोड़ी टेढ़ी नज़र आएगी, उसके लिए हम क्या करेंगे, इससे यहाँ पे एक मार्किंग देंगे कि ये इतनी टेढ़ी है। ये देखिए, ये उसको खुद ब खुद सीधा कर देगा, जैसे कि ये कर दी है, और आप उसको इस तरह से कैसे भी क्रॉप कर सकते हैं। तो चाहे कोई भी इमेज हो, अगर आपको लगे उसको इस तरह से सीधा करना है, तो ये टूल काफ़ी आपको हेल्प करने वाला है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन के लिए। नेक्स्ट ऑप्शन सबसे पहले इसमें है रूल ऑफ थर्ड। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं, जो अभी तक हम यूज करते आ रहे थे, ये इस तरह से क्रॉप टूल को दिखाता है। जैसे कि इसमें ये दो लाइनें हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दी हुई हैं, जिससे हमें तीन बॉक्स दिखाई दे रहे हैं। आगे इसमें हम जाते हैं, ये है ग्रिड। ग्रिड लेते ही ये देखिए, ये एक जाल की तरह इस पर नज़र आएगा। इससे आप किसी भी तरह की मार्किंग के साथ काम कर सकते हैं और जितना चाहे उतना क्रॉप कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें है डायगोनल। इस तरह से इसमें डायगोनल नज़र आएगा। अब आगे चलते हैं इसमें ट्रायंगल। ये देखिए, ये आ गया अब इसमें ट्रायंगल। इसी तरह से नेक्स्ट इसमें चलते हैं हम गोल्डन रेशो। गोल्डन रेशो में लाइंस कुछ इस तरह से आएंगी। नेक्स्ट चलते हैं, आगे है गोल्डन स्पायरल। गोल्डन स्पायरल आपको इस तरह से इसमें नज़र आएगा। तो इस तरह से आप जो भी चाहें इनमें से यूज़ कर सकते हैं। मैं अभी रूल ऑफ थर्ड ही रखता हूँ। नेक्स्ट चलते हैं, आपको यहाँ पे नज़र आएगा ऑटो शो ओवरले। अब देखिए, जो सेंटर में आपको ग्रिड नज़र आ रही थी वो हट गई है। ये आपको कब नज़र आएंगी, जब आप इस पर क्लिक करेंगे। देखिए, जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं क्रॉप टूल पे या इमेज पे, ये देखिए, ये देखिए, ये तब आपको नज़र आएंगी। नेक्स्ट इसमें है ऑलवेज शो ओवरले। ये बाय डिफ़ॉल्ट ही होता है, ये लेने पे ये आपको हर वक्त नज़र आएंगी, जो इसकी सेंटर में ये मार्किंग है इस क्रॉप टूल की। नेक्स्ट चलते हैं नेवर शो ओवरले। इससे ये बिल्कुल हट जाएंगी, आप जैसे चाहें वैसे क्रॉप टूल का यूज करें, पर ये ग्रिड नज़र नहीं आएंगी जो इसके सेंटर में अभी नज़र आ रही थी। तो मैं दोबारा ऑलवेज शो ओवरले कर देता हूँ। अब आगे चलते हैं इसमें। आगे आप देखेंगे इसमें है साइकिल ओवरले। साइकिल ओवरले अगर आप लेते हैं, ये देखिए, नेक्स्ट इसमें ग्रिड आ गया अपने आप ही। साइकिल ओवरले पे मैं दोबारा क्लिक कर रहा हूँ, आप चाहे तो ओ पे भी क्लिक कर सकते हैं। ये देखिए, अब मैं ओ प्रेस करता हूँ, ये जितनी भी ऑप्शंस इसमें थे वो बारी बारी चेंज होने शुरू हो गए हैं। जो आपको चाहिए वो आप यहाँ से भी ले सकते हैं। ये देखिए, अब चलते हैं अगले ऑप्शन पे। आगे इसमें है साइकिल ओरिएंटेशन। ये शिफ्ट प्लस ओ से भी काम करता है, आप शिफ्ट के साथ ओ प्रेस करेंगे तो ये काम करेगा। अब ये काम किस पे करता है, ट्रायंगल पे और गोल्डन रेशो पे। ये देखिए, अगर मैं ग्रिड या कुछ और इसमें लेता हूँ तो ये ऑफ हो जाता है। अब मैं इसमें ट्रायंगल लेता हूँ और ये साइकिल ओरिएंटेशन लेता हूँ। ये देखिए, ये इसमें रोटेट होता आपको नज़र आएगा। ये देखिए, अब मैं ले रहा हूँ गोल्डन स्पायरल। अब दोबारा इस पर जाता हूँ साइकिल ओरिएंटेशन पे। ये देखिए, ये फिर से रोटेट होना शुरू हो गया। तो इस तरह से आप इन ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। आगे हमें मिलता है ये आइकन, और यहाँ हमें मिलेगा यूज क्लासिक मोड। इस मोड पे यहाँ हम करेंगे क्लिक, और जैसे ही मैं जाता हूँ इसे क्रॉप करने के लिए, और मैं इसको करता हूँ जूम। जूम करते ये देखिए, यहाँ पे आ गया है स्क्रॉल बार। ये देखिए, और इसको अगर मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, ये चला जाता है। और मैं इसको अब यहाँ से करता हूँ ऑफ, और अब ये देखिए, अब मैं थोड़ा सा जूम आउट किया, पहले ये चला जा रहा था, अब ये रह रहा है। और ये देखिए, ये इतना जूम आउट करने के बाद भी बना हुआ है, और इसको आप जूम चाहे कितना भी करें ये रहेगा। इसमें सिर्फ इतना सा ही फ़र्क है, कोई ज़्यादा इसमें
फर्क नहीं है। आगे चलते हैं इसमें, शो क्रोप्ड एरिया, इस पर अगर मैं रखता हूँ टिक ऑन, तो ये देखिए जो साइड में एरिया है वो हमें दिखता रहता है। अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो जितना एरिया हमारा क्रोप टूल के अंदर ही है वही बचेगा, बाकी दिखाई नहीं देगा। और इस पर टिक करने के बाद जो एरिया क्रोप टूल से बाहर है वो भी दिखना शुरू हो जाता है। आगे है इसमें ऑटो सेंटर प्रीव्यू, इससे क्या होता है जैसे ही मैं ये टिक हटाता हूँ मेरी इमेज का जो क्रॉप एरिया है वो थोड़ा ऑफ सेंटर हो जाता है, और दोबारा जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये इस पर सेंटर में आ जाता है। अभी देखिए मैं इस पर दोबारा क्लिक कर रहा हूँ, ये देखिए सेंटर में आ गया, और इस पर दोबारा हटाते ही ये थोड़ा ऑफ सेंटर हो जाता है। तो इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं और इसको सेंटर में ला सकते हैं। तो आगे इसमें चलते हैं, एनेबल क्रॉप शील्ड, इस पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे, ये देखिए इसको हटा देता हूँ तो ये क्या होता है, जो इसका बैकग्राउंड था जो शेडो थी क्रॉप टूल से बाहर, जो क्रॉप एरिया हमारा है उससे बाहर, वो हट गई है। और इस पर दोबारा क्लिक करता हूँ तो देखिए वो शेडो दोबारा आ गई है। तो आप इस तरह से इसका यूज कर सकते हैं। इसी में आगे ऑप्शन है मैच कैनवस, मैच कैनवस पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ मिलेगा कस्टम, कस्टम पे जाते ही आपके सामने यहाँ पे एक कलर पिकर विंडो खुलेगी, जिससे आप क्या कर सकते हैं, जो इस क्रॉप एरिया के चारों तरफ शेडो दी गई है उसमें आप कलर फिल कर सकते हैं जैसा कलर आपको चाहिए। पहले ग्रे था, अब ये देखिए मैं रेड पे कर रहा हूँ या ब्लू पे कर रहा हूँ, ग्रीन पे कर रहा हूँ, वही शेडो साइड में आती जा रही है, जो आपको चाहिए वो कलर आप ले सकते हैं। अभी मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ। उसी में नीचे आपको मिलेगा ओपेसिटी, अभी 75% है, इसको आप जितना चाहे कम कर सकते हैं, ये देखिए शेडो बिल्कुल ख़त्म हो गई है, और जितना चाहे ज़्यादा कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट 75 रहता है, मैं 75 ही छोड़ देता हूँ। इस तरह से ओपेसिटी आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, ऑटो 75% ही रहता है। तो इस तरह से आप इन सब ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट हम चलते हैं डिलीट क्रॉप्ड पिक्सल, इसका भी इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। जैसे अभी देखिए मैं इसको इमेज को सिलेक्ट करता हूँ जितनी मुझे चाहिए क्रॉप करने के लिए, और अभी मेरा यहाँ पे है सिलेक्ट, मैं इसको करता हूँ डिलीट, ये देखिए अभी मेरी बैकग्राउंड लेयर ही है और ये मेरा एरिया डिलीट हो गया। अब मैं इसको देखिए सिलेक्ट किया मैंने और साइड में करता हूँ, ये देखिए सारा एरिया मेरा जो साइड में था वो डिलीट हो गया है, इसलिए वाइट देखिए नज़र आ रहा है। और कंट्रोल टी भी मैं आपको यूज करके दिखा देता हूँ, ये देखिए ये सिर्फ इतनी ही इमेज बची है। अब इसको मैं करता हूँ अंडू और दोबारा जाता हूँ डिलीट क्रॉप पिक्सल पे, और यहाँ से इस टिक को हटा देता हूँ। ये टिक हटने के बाद जितनी इमेज मुझे चाहिए सबसे पहले मैं वो सिलेक्ट करता हूँ, अब करता हूँ डबल क्लिक। अब आप देखिए ये इमेज भी पहली की तरह ही क्रॉप हो चुकी है, पर अब मेरी बैकग्राउंड लेयर सिंगल लेयर बन चुकी है। अब मैं इस इमेज को सिलेक्ट करता हूँ और ड्रैग करके देखता हूँ, ये देखिए मेरा साइड का एरिया भी बचा हुआ है, जो मुझे इस इमेज में नज़र नहीं आ रहा था वो भी बचा हुआ है। और मैं कंट्रोल टी भी करता हूँ, ये देखिए ये मेरी इमेज इस फ्रेम के अंदर फिट हो गई है, और बाकी जितनी भी मैं चाहूँ साइड में जहाँ पे भी ड्रैग कर सकता हूँ। मेरी इमेज क्रॉप जरूर हुई है पर वो कटी नहीं है। इस तरह से आप डिलीट क्रॉप पिक्सल का यूज कर सकते हैं। आगे चलते हैं हम इसमें, आगे आपको मिलेगा कंटेंट अवेयर, ये ऑप्शन भी आपके बहुत काम आने वाला है। इस पर हम क्लिक करेंगे और जितनी इमेज हमें चाहिए वो हमें सिलेक्ट की। कई बार क्या होता है इमेज का कुछ हिस्सा एक्स्ट्रा जो हमें चाहिए होता है, जैसे ये ग्रीन एरिया मुझे यहाँ भी चाहिए पर अभी मेरे पास इस फोटो में है नहीं, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पे मैंने जो टिक कर दिया है क्रॉप एरिया मैंने सिलेक्ट कर लिया है, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ से इस पर डबल क्लिक एंटर या इस टिक पर क्लिक करूँगा और ये देखिए अभी ये प्रोसेस में है। अब आप देखेंगे जो मेरा वाइट एरिया था वो खुद ब खुद इसने यहाँ पे आगे बढ़ा दिया है, ये देखिए ये ग्रास इसने
खुद ही बना दी है और इस पे मुझे कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करने की अब जरूरत नहीं है। इस तरह से आप किसी भी इमेज का एरिया जो आप बाय डिफ़ॉल्ट बनाना चाहते हैं वो इस कंटेंट अवेयर से बना सकते हैं। इससे आपको किसी भी इमेज पे काम करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो इसी के साथ हमारा क्रॉप टूल कंप्लीट होता है। अभी चलते हैं नेक्स्ट टूल जो कि है पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल। ये क्रॉप टूल मैंने ले लिया है और इस क्रॉप टूल को यूज़ करने के लिए मैं लेता हूँ दूसरी इमेज। ये देखिए मैंने दूसरी इमेज ली है। अभी आप देखेंगे ये पिक्चर इसमें थोड़ी टेढ़ी नज़र आ रही है पर मैं इसको इस फ्रेम में फिट करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस फोटो को सीधा करेंगे और उसके लिए ये पर्सपेक्टिव टूल काफ़ी अच्छा है। पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल लेके आप जिस इमेज को सीधा करना चाहते हैं उसकी जस्ट कॉर्नर पे क्लिक करें। इस तरह से जितनी इमेज आपको सिलेक्ट करनी है और आप उस पे करेंगे डबल क्लिक या फिर स्टिक पे करेंगे क्लिक। ये देखिए वो आपकी इमेज सीधी हो गई है। अब आप इस इमेज को करेंगे सिलेक्ट कंट्रोल ए और मूव टूल की हेल्प से इस फ्रेम के ऊपर लेके जाते हैं कंट्रोल टी, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, और उस इमेज को करेंगे हम छोटा। इस तरह से आप इस इमेज को इस फ्रेम में फिट करेंगे। ये देखिए ये हमारी इमेज इसमें फिट हो गई है जो कि इसमें सीधी नहीं थी। ये देखिए तो इस तरह से पर्सपेक्टिव टूल से आप किसी भी इमेज को सीधा कर सकते हैं। तो गाइज आई होप कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा और काफ़ी कुछ नया इसमें आपने सीखा होगा। तो फ्रेंड्स आपने देखा आप क्रॉप टूल का यूज किस तरह से कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें मेरे चैनल पर मेरे साथ। अभी के लिए धन्यवाद।